गाइज मैं हूँ ट्रैवलर कनक और अभी मैं NH58 से सफ़र करके एक लिंग जी के पास आया हूँ जो कि कुछ दूर पे यहाँ से। उसी बीच में एक पुरानी स्ट्रक्चर और पुरानी आर्किटेक्चर के हिसाब से गांव बनी हुई दिखाई दी जो कि पहाड़ों पे है और इस गांव का नाम है कैलाशपुरी। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था और अब मैं चलता हूँ आगे। कैलाशपुरी जो है उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है और मैं हूँ अभी उदयपुर राजस्थान में। बिल्कुल ही पुरानी आर्किटेक्चर के आधार पे बनी हुई है, पहाड़ों पे नए मकान नीचे और ऊपर में जो है पुराने मकान छप्पर वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो गाँव को भी कवर कर लूँ। मैं हूं अभी एकलिंग महादेव जी का टेम्पल जो कि आप पीछे देख पा रहे हो और यहां अंदर कैमरे अलाउ नहीं है। इस मंदिर के बारे में कुछ शॉर्ट में आपको बता देता हूं। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में यह मंदिर टूटा और पुनः बनाया गया इसे, जो कि 15वीं शताब्दी में बनाया गया। इस मंदिर के अंदर कुल 108 मंदिर हैं और चूँकि मोबाइल कैमरा वगैरह अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि अब तो मैं अंदर आपको दिखा नहीं सकता, ड्रोन्स वगैरह भी फ्लाई कर नहीं सकता। तो अब अंदर से मैं दर्शन करके आता हूँ। मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ में आप इस मंदिर का डिटेल दे दिया है आपको। गाइज मैं दर्शन करके अंदर से बाहर आ चुका हूँ। एक लिंग जो शिव शंकर भोलेनाथ का शिवलिंग है वहाँ से, और मैं अंदर ज़्यादातर जो एरिया है एक्सेसिबल नहीं है, आप सारा जगह घूम नहीं सकते हो। वहाँ पे प्रवेश निषेध का प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है। एक बात और, अंदर किसी भी तरह का कैमरा मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। जब भी आप अंदर आओ तो बस दर्शन करो। मैं बोल रहा हूँ कि जो शिवलिंग के बाहर जो गेटे बने हुए हैं उसमें चांदी के पर्दे को लगाया गया है, और प्लस जो शिवलिंग जो है, सो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा शिवलिंग है अंदर में, जो कि बाहर में बेचे जा रहे हैं इसी तरह के शिवलिंग को। तो आप देख सकते हो इस तरह का शिवलिंग जो है सो अंदर में है, और इसके जो किनारे किनारे है ना, एक मोटे से कड़े टाइप का सोने का लगा हुआ था जो कि मैंने देखा, चूँकि और सोने का नाग भी है वहाँ पे लगा हुआ। चूँकि मैं जौहरी हूँ, ज्वेलरी का काम है, तो मैं पहचान लेता हूँ दूर से देख के भी। तो गाइज ये देख सकते हो आप, इस तरह का शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर ये मूर्तियाँ भी चिपकी हुई थी। वैसे सेम ऐसा ही शिवलिंग अंदर भी है, और अंदर ज़्यादातर एक्सेसिबल नहीं है। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, 8वीं शताब्दी से को बनवाया गया था इसको, जिसका कि डिटेल मैंने आपको दिया है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप स्टे ट्यून्ड एट माय चैनल ट्रैवलर कनक। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये भी एक लिंग जी के पास में ही है और शायद वही टाइम पे बना होगा ये मंदिर भी। हालांकि इसको कैंपस से बाहर रखा गया है, या कैंपस के अंदर ही है। ये बिल्कुल ही प्राइवेट निजी संपत्ति है राजा का, जो कि आदित्य सिंह जी हैं, अभी उनके अंडर में है। और आप देख सकते हो ये सब जगह है। गाइस ये जो है ना आदिवासी गांव है, और ये है कैलाशपुरी जो कि एकलिंग जी महादेव के ऊपर जो गांव पड़ती है ना, वो मैंने दिखाया था वीडियो में भी, वही गांव है। और ये बच्चे हैं और चाची पीछे काम कर रही हैं, कुछ खाने पीने का वो क्या उसको बोलते हैं, उसको ये कर रही हैं, चाल रही हैं ताकि गर्दा और कचरा जो है सो ख़त्म हो जाए। इस जगह पर चलना भी काफ़ी मुश्किल है यार, गांव काफ़ी ऊपर में है और ये गांव आदिवासियों का है, जो कि
राजस्थान की जनजातियाँ होंगी और आप देख सकते हो उनका भी रहन सहन कुछ ये पत्थरों से उन्होंने थोड़ा सा बाउंड्री वॉल कर लिया है। मैं दिखाता हूँ आपको वो व्यू भी, पहले मंदिर का व्यू देख लूँ। ये देखो आदिवासियों का ये घर जो कि कैलाशपुरी में है। और मैं यार यहाँ से चढ़ते चढ़ते थक सा गया हूँ और भी ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए कि यार मंदिर का व्यू किस जगह से दिखेगी। अंदर का तो व्यू मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरे अलाउड थे नहीं, तो अब मैं ऊपर से व्यू लेने की कोशिश करता हूँ मंदिर का। और बिल्कुल मैं हाफ रहा हूँ, इतना दूर का मेहनत भी बर्बाद हुआ। आप देख सकते हो थोड़ा सा मंदिर का वो गुंबद दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे जैसे ये गांवें ऊंची होती गई वैसे वैसे मंदिर की दीवार भी काफ़ी ऊंची है, जिसके वजह से मंदिर का व्यू मुझे नहीं मिल पाया। अब मैं देखता हूँ कि शायद किसी और साइड से, उस साइड से शायद मंदिर का व्यू मुझे मिल पाए। ये गांव आने का मेन मकसद यही था कि मंदिर का व्यू मैं आपको दिखा सकूं, पर यहां से दिखा नहीं पाया मैं मंदिर का व्यू। और यहां पे एक टेंपल है जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये कौन से भगवान का मंदिर है? ये अंबे माँ। तो ये अंबे माँ का आप पुजारी हैं? अच्छा, ये गांव का कैलाशपुरी नाम है ना? एकलिंगनाथ बाबा, एकलिंग बाबा और कैलाशपुरी दोनों। अच्छा, मंदिर का व्यू देखने आए थे। यहाँ से नहीं दिखता एकलिंग? एकलिंग यहाँ से नहीं दिखता ना, नीचे दीवार खड़ी है, दीवार खड़ी है। हाँ, उधर से दिखेगा। जी। आपका नाम? विजय लाल। विजय लाल, अच्छा जी। ये आदिवासी गांव है ना? आदिवासी गांव। अच्छा, तो ये आदिवासी गांव है और मैं इस मंदिर का भी दर्शन करता हूँ। ये अंबे माँ का, काली माँ, अंबे माँ, असावी माँ, तो असावी माँ का ये जो टेम्पल है ऊपर आदिवासियों के गांव में कैलाशपुरी है, एक लिंग भी बोल सकते हैं आप इसे, तो मैं वो आपको दर्शन करवाता हूँ। ये छोटी सी मंदिर का भी पट बंद है, अंदर माँ विराजमान है, तो मैं बाहर से ही दर्शन कर लिया। और ये आप देख सकते हो ये छोटी सी मंदिर, और अब मैं नीचे की ओर जाता हूँ।